तो थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग है इसमें जो बोरर की कंट्रीब्यूशन रहेगी लॉन्ग टर्म फंड से डेट विल बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटायर कोर करेंट एसेट एक चीज को ध्यान से समझ कर चलिए कि आपके पास करेंट एसेट्स है, हैं करेंट लाइबिलिटीज हैं एंड वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट हम जज करते हैं डेट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप के हिसाब से देखते हैं और जो यहां पर कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि करंट एसेट कहां से आएंगे डेट आर टू बी कि जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जो कि एक्सीड कर रहे हैं एक्सीड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म यूजेज को लॉन्ग टर्म यूजेज को जो एक्सीड कर रहे हैं वो जो वहां से आपकी कंट्रीब्यूशन आएगी एंड कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटायर कोर करेंट एसेट जितने आपके टोटल कोर करेंट एसेट्स हैं उतने अमाउंट का पार्ट जो है लॉन्ग टर्म फंड्स एज बोरर कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा एंड ये मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटीरियल्स को प्रोसेस स्टॉक को फिनिश गुड्स को शो करता है जो चाहिए जो पाइपलाइन में है ताकि हम प्रोडक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसे इंश्योर कर सकें। तो पहली चीज यहाँ पर ये है कि जितने भी आपको कोर करेंट एसेट्स हैं वो बोरर की कंट्रीब्यूशन रहेगी ठीक है लाइकवाइज मान लीजिए कि टोटल करेंट एसेट्स जो है आपके पास वो है हंड्रेड लाख के वो है हंड्रेड लाख ,00 एंड इसमें से जो कोर एसेट्स हैं लेटेस्ट से वो हैं फाइव लैख के तो ये जो फाइव लैख ,00 की कंट्रीब्यूशन होगी किसकी होगी बोरोर की कंट्रीब्यूशन होगी एंड बाकी कितने रह गए आपके पास यानी कि टोटल करेंट एसेट्स माइनस कोर एसेट्स डेट केम आउट टू बी नाइनटी फाइव ये नाइनटी फाइव लैख गए आपके अब इस नाइनटी फाइव लैख में से भी जो ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा वो फाइनेंस किया जाएगा बाय द यानी कि वो बोरोर की क्या रहेगी कंट्रीब्यूशन रहेगी ट्वेंटी फाइव परसेंट जो रहेगी वो फर्दर क्या रहेगा बोरर की कंट्रीब्यूशन पार्ट रहेगी यानी नाइनटी फाइव यू कैन से ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ नाइनटी फाइव लैक एंड नाइन्टी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो इसमें से भी ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव क्या रहा यहां पर बोरर की और कंट्रीब्यूशन रहेगी जो कहां से फाइनेंस की जाएगी डेट शुड बी फाइनांस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड प्लस टर्म बोरिंग जो आपने टर्म बोरिंग की है वहां से करेंगे आप इसको फाइनेंस या फिर जो आपके लॉन्ग टर्म फंड से आप इनको फाइनेंस करेंगे ओके okay. so ये दूसरी चीज होगी यानी कि बैंक फाइनेंस कितना हो गया मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कितना हो गया नाइनटी फाइव को इसमें से सब्जेक्ट करेंगे सेवेंटी वन पॉइंट टू फाइव जो रहेगा मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस रहेगा इस केस में ये हम तब कह रहे हैं जब करेंट लाइबिलिटीज आपकी जीरो है ठीक है तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए जो एम का रहता है फॉर द मेथड थ्री डेट इज इक्वल टू कि जो भी आपका पोर्शन रहेगा करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट का उसका 75% परसेंट एंड माइनस करना है इसमें से करंट लाइबिलिटीज जबकि करंट लाइबिलिटीज हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है अदर देन बैंक बोरिंग्स उनको सब्ट्रैक्ट करना है डेट विल गिव यू द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस